नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे TVS रेडियोन बाइक आई है हमारे पास सर्विस के लिए। TVS रेडियोन तो सर्विस के लिए बाइक आई है, तो पूरा सर्विस के दौरान हम लोग क्या क्या करते हैं पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। चलिए, तो सर्विस के दौरान हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। TVS रेडियोन बाइक है, इसका पूरा सर्विस किया जाएगा और कैसे हम लोग सर्विस करते हैं पूरी जानकारी देंगे। और क्लच प्लेट को डालेंगे, पूरा क्लच बक्सा खोलेंगे और फिर उसको बांधेंगे, तो पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो चलिए बाइक की तरफ चलते हैं। TVS रेडियोन बाइक आई है सर्विस के लिए। तो देखिए पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कैसे सर्विस किया जाता है। तो सबसे पहले इसका मोबिल ड्रेन कर लेंगे, ये क्लच बक्सा है इसको खोल लेंगे। तो सबसे पहले मोबिल नट खोल कर ड्रेन कर लेंगे, मोबिल नट जो 17 नंबर है, 17 नंबर गोटी से। तो मोबिल नट को ड्रेन कर लेंगे, खोल लेंगे 17 नंबर का गोटी से, ये खुल गया। मोबिल ड्रेन कर लेंगे, तो उसके बाद एक किक खोलेंगे जो 12 नंबर का है, तो इसको खोल लेंगे। 12 नंबर का बोल्ट लगा है इसमें, उसके बाद ये 8 नंबर का बोल्ट है जो ऊपर पूरे चैम्बर में 8 नंबर का 10 बोल्ट है, 10 खोल लेंगे। खोल कर आपको दिखा रहे हैं। तो ये गाड़ी सर्विस के लिए आई है, तो सबसे पहले इसका क्लच बक्सा खोलते हैं, पूरा क्लच प्लेट वगैरह सब खोल देते हैं। उसके बाद ये फिल्टर है जो, फिल्टर को खोल लेते हैं, उसको पूरा क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद पीछे का चक्का खोल कर पूरा ग्रीसिंग करते हैं, चैन लॉक वगैरह सब लगा देते हैं। उसके बाद आगे का चक्का खोलते हैं, पूरा ग्रीसिंग करते हैं, ब्रेक व्रेक पूरा देख लेते हैं। उसके बाद टैपिट होता है, टैपिट यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं, मिलाते हैं। तो बस इतना प्रोसेस होता है, और जो भी घटा बड़ा रहता है वो ग्राहक के मति के अनुसार होता है। तो ये साइलेंसर है, साइलेंसर को भी खोल लेंगे, क्योंकि ये बोल्ट खोलने में दिक्कत हो रही थी, चैम्बर का नीचे का बोल्ट खुल नहीं रहा था, इसलिए साइलेंसर का 5 नंबर का 2 बोल्ट है, लिनकी है, 5 नंबर के लिनकी से खोल लेंगे और साइलेंसर को निकाल लेंगे। तो ये फिल्टर साफ कर लेते हैं तब तक जब तक साइलेंसर खोला जा रहा है। तो स्क्रू को खोलकर ये कवर को निकाल लेंगे, और फिल्टर है, फिल्टर में 3 स्क्रू हैं, 2 3 3 स्क्रू हैं, तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं तब दिखा रहे हैं। ये खुल गया, इसके बाद एक ढक्कन है इसको निकाल लेंगे। अब ये फिल्टर को निकाल लेंगे, फिल्टर को निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार है, इस प्रकार देख सकते हैं। इसे क्लीन करेंगे, साफ कर लेंगे पूरा, इसे पटक कर साफ करेंगे, ये पूरा गर्दा निकल जाएगा। ये पूरा पटक पटक के साफ कर लेंगे, देखिए कितना गर्दा निकल रहा है। तो देख रहे हैं कितना गर्दा निकल रहा है ये, तो इसे पटक पटक के साफ कर लेंगे, और हवा भी मार लेंगे, हवा से भी साफ कर लेंगे। तो ये भर चुकी है पूरा गर्दे से, ये पूरा पटक पटक के साफ कर देंगे। ये ठीक है, अभी ख़राब नहीं हुआ है। तो साइलेंसर का ये 12 नंबर का ये बोल्ट है, इसको भी खोल लेंगे और साइलेंसर को बाहर कर लेंगे। तो बिना साइलेंसर के खोले चैम्बर नहीं खुल पाएगा, तो इसे साफ कर लेते हैं तब तक फिल्टर, जब तक साइलेंसर खोला जा रहा है। तो ये पीट पीट के साफ कर लेंगे, देखिए कितना गर्दा निकले हैं फिल्टर से। फिल्टर को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे दिक्कत आती है। फिल्टर साफ नहीं करेंगे तो आपके माइलेज में भी दिक्कत आएगी, गाड़ी एवरेज नहीं देगी, स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम करने लगेगी, स्टार्टिंग में भी दिक्कत करती है, पिकअप भी नहीं लेती है, बहुत समस्या आती है फिल्टर के ज़रिए। तो फिल्टर को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरा सूती के कपड़े से क्लीन कर लेंगे, पूरा साफ कर लेंगे, हो सके तो इसमें हवा भी मार लेंगे, पूरा गर्दा बाहर निकल जाए। तो पूरा क्लीन हो गया, साफ हो गया, इसमें फ़िल्टर को बैठा देंगे। तो ये फिल्टर को लगा देंगे इसमें, जैसे था उसमें लगा देंगे। अब उसके बाद इसके कैप को भी साफ कर लेंगे, साफ करने के बाद ढक्कन को लगा कर और 3 पेच है टाइट कर लेंगे। ये 10 बोल्ट हैं इसमें, पूरे 8 नंबर का खोल लिए, साइलेंसर निकाल कर चैम्बर में जितने बोल्ट थे 10 वो खोल लिए हैं। उसके बाद क्लच के वायर बाहर कर लेंगे। उसके बाद ये मोबिल कैप है, कैप को खोल लेंगे, ये नहीं खोलेंगे तो चैम्बर नहीं निकलेगा और कैप भी टूट जाएगी। उसके बाद चैम्बर को बाहर निकाल लेंगे।
तो ये बाहर निकल गया चेंबर। तो ये ठेसी है, इसमें यहाँ पे लगता क्लच, ठेसी नाम है इसका, इसमें लगा रहता है, ये नहीं लगेगा तो क्लच काम नहीं करेगा। ये चेंबर, इसके बाद 10 नंबर का ये 3 वोल्ट है, इसे खोल लेंगे। वहाँ प्राइमरी गियर है जो अंदर नट या प्राइमरी गियर लगा लेंगे ताकि ये नाचेगा नहीं, और खोल लेंगे। 10 नंबर का 3 वोल्ट है, तीनों को खोल लेते हैं, तब दिखा रहे हैं। तो ये खुल गया, देख सकते हैं, ये इसका कैप है, इसमें पैकिंग रहता है, देख लीजिए। उसके बाद ये 18 नंबर का नट है, 18 नंबर की गोटी से खोल लेंगे, कट गोटी है, और चुड़ी उल्टा है। अगला वाला पोर्शन ये रोटर का जो होता है उल्टा चुड़ी होता है, इसे जिस तरह अपोजिट, जैसे अन्य नटे जैसे खोली जाती है वैसे टाइट करने पे खुलेगा। ये खुल गया है, ये रोटर है, इसके पीछे वाशर थी और 18 नंबर का नट थी। उसके बाद ये कलठेसी है वहाँ पे, इसमें छर्रा रहता है छोटा सा, छर्रा भी रहता है लेकिन है नहीं, ये अपने तरफ से लगा देंगे, रहता है उसमें, शायद जो मैकेनिक बना हो भूल गया हो। तो 10 नंबर का 4 वोल्ट है, इसे खोल लेंगे, तो बराबर से खोलेंगे, बराबर से नहीं खोलेंगे तो प्लेटें टूट सकती है, तो इसलिए बराबर बराबर से खोल लेंगे। तो TVS रेडियन बाइक है, देख सकते हैं, ये सर्विस के लिए आई है बाइक। तो 10 नंबर का है, 4 वोल्ट खोल लिए, खोलने के बाद निकालेंगे, प्लेटें हैं, ये स्प्रिंग थी, ये 4 स्प्रिंग, यहाँ से स्प्रिंगों को भी निकाल लेंगे। स्प्रिंग ऐसे ही 4 रहती है, 4 निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये प्लेट है, देखिए प्लेट, इसमें बैरिंग भी रहता है। अब ये क्लच हाउसिंग है, क्लच होल्डर नाम है इसका, क्लच होल्डर लगाकर, और 18 नंबर का गोटी है, और ये सीधा चूड़ी है, उल्टा नहीं है, सीधा चूड़ी है, इसे खोल लेंगे, क्लच होल्डर लगाकर इसे खोल लेते हैं। तो ये खुल नहीं रहा है, इसलिए अभी मशीन से खोल लेंगे, हाथ से बड़ा दिक्कत हो रही थी खोलने में, इसलिए मशीन से लगाकर खोल लेंगे, आसानी से खुल जाएगी। 18 नंबर के बाद कट गोटी से खुल जाएगा आसानी से, देखिए खुल गया, ये खुल गया। खोलने के बाद क्लच प्लेटों को निकाल लेंगे, इसमें क्लच प्लेट असेंबल होता है। उसके बाद एक क्लच हाउसिंग है जो निकाला जा रहा है, ये क्लच हाउसिंग को भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये पैकिंग है, पैकिंग को भी निकाल लेंगे, और क्लच हाउसिंग खींच के निकाल लेंगे। तो उसके बाद ये वाशर लॉक लगा रहता है, ये देख सकते हैं, जो 3 खुट्टी ऊपर निकला है वहाँ वाशर को लॉक किया रहता है, इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले 3 खुट्टी वाला रहता है वाशर, उसके बाद वहाँ लॉक वाशर रहता है, ये वाशर है, ये पहले वाशर अंदर रहता है, ये बाहर रहता है, ये बूस है, बूस जो हाउसिंग में लगा रहता है, ये पहले हाउसिंग लगेगा उसके बाद ये बूस लगेगा। यहाँ पे एक वाशर था, ये वाशर था, उसके बाद 18 नंबर का नट था, तो पीछे वाशर था, और एक क्लच प्लेटें हैं इसमें। उससे पहले ये देखिए, एक क्लच सेंटर है और एक क्लच प्लेट है, और ये प्रेशर प्लेट है, और एक क्लच हब है। तो पूरा खोल दिया गया है, ये प्राइमरी गियर है, इसको भी निकाल लेंगे, इसका पेंट वाला पोर्शन आगे रहेगा, और ये लॉक है, बड़ा वाला लॉक, और ये छोटा वाला प्राइमरी गियर है, इसको भी निकाल लेंगे। निकालते समय ध्यान भी देंगे, घाट जो बना रहेगा उसको देखकर लगाएंगे। तो मिट्टी के तले पेट्रोल से पूरा धुल लेते हैं, धुलने के बाद आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे पार्ट है जितने भी, इसको भी धुल लेंगे मिट्टी के तले पेट्रोल से, इसे धुलने के बाद फिर बांधेंगे। तो चलिए, धुल लेने के बाद आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, मिट्टी के तेल है और ब्रश है पेंट करने वाला, उसी से पूरे अच्छे से धुल लेंगे, साफ क्लीन कर लेंगे, और पार्ट को भी पूरे अच्छे से धुल लेंगे। चलिए, धुलने के बाद आपको दिखा रहे हैं। तो क्लच प्लेटों को भी धुल लेंगे, पेट्रोल से क्लच प्लेट धुल लेंगे, ताकि ये लेदर जो रहती है वो फूल जाती है। तो पेट्रोल से धुलने से ये होता है, उसके लेदर जो होती है फूल जाती है। तो क्लच प्लेट पूरा बढ़िया से काम करने लगता है।
तो ये पूरे पार्ट को धुल दिए हैं मिट्टी की तरह से, देखिए कैसे चमक रहे हैं। और ये चेंबर है, चेंबर को भी धुल लिए, पूरे पार्ट को धुल लिए हैं। अब पूरा सूती के कपड़े से पूरा क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे, उसके बाद से फिर बांधेंगे, जैसे जैसे था वैसे बांध देंगे। तो चलिए पूरा क्लीन करके दिखा रहे हैं, पूरा साफ सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे और सूती के कपड़े से पूरा क्लीन कर लेंगे और लटका देंगे। जितने भी धोए मिट्टी का तेल उसमें भरा रहता है वो नीचे गिर जाएगा, मोबिल वोबिल सब। और पूरे अच्छे से साफ कर लेंगे सूती के कपड़े से। तो पहले छोटा वाला प्राइमरी गियर लेंगे, देखेंगे उसमें घाट है, जो प्लास्टिक का प्राइमरी वो आयल पंप जो चलता है उसमें घाट बन जाता है पिनियन में, तो उसको देखकर लगाएंगे, उसी में बैठना चाहिए। दाग लगा रहा, दाग बन जाता है प्राइमरी गियर में, दागों को देखकर बैठाएंगे। और ये बड़ा वाला प्राइमरी गियर लगा लेंगे, इसका पेंट लगा रहता है, पेंट वाला पोर्शन आगे की तरफ रहेगा, इसमें देख लेंगे ध्यान से, पेंट लगा रहता है पीला टाइप, तो पेंट वाला पोर्शन आगे रहेगा और बिना पेंट वाला पीछे। और उसके बाद ये लाक लगा देंगे और उसके दागों को देख लेंगे, जैसे जैसे उसमें गरारी चलती है दाग लगे रहते हैं, तो उसे दागों को सेट करके लगाएंगे। यदि वैसे नहीं करेंगे तो आवाज़ करने लगेगी, कभी कभी ऐसा होता है। तो बैठ गया लाक, तो इसके विशेष ख्याल रखेंगे, दागों को देख कर लगाएंगे। वाशर है, वाशर लगाएंगे, ये लॉक वाशर होता है, आगे लगा कर और नचा देंगे, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, कर दिया रहता है, लगा कर वहाँ पर नचा देंगे, वहाँ बैठ जाएगा। बैठने के बाद एक 3 फुटी का वाशर दिखाए थे, उसमें डायरेक्ट लगा देंगे, अच्छे से बैठ जाएगा। अब जब भी ये प्राइमरी गियर को लगाएं तो घाटों को देख कर लगाएं, क्योंकि कभी कभी आवाज़ होने लगता है यदि घाटों को देख कर नहीं लगाएंगे तो। जैसे हाउसिंग चलती है उसमें और आयल पंप चलता है तो दाग बन जाता है, दाग को देख कर लगाएंगे। उसके बाद ये वाशर लगाएंगे जो 3 खूटी बाहर निकली थी, हम आपको शुरू में दिखाए थे। अब इसे डायरेक्ट लगा देंगे, वो लॉक को जाकर उसमें डायरेक्ट बैठ जाता है और लॉक कर देता है, तो वाशर को लॉक कर देता है वो। तो अब ये हाउसिंग है, हाउसिंग में बुश को लगा देंगे, ये बुश मोटा वाला, मोटा वाला बुश जो वाशर के जैसे है वो बाहर की तरफ रहेगा। ये बुश को लगाकर और हाउसिंग को बैठा लेंगे, ये पूरा बैठ गया हाउसिंग। इसके बाद एक क्लच हब है, इसमें क्लच प्लेटों को असेंबल करेंगे, इसमें क्लच प्लेटों को बैठाएंगे। तो पहले इसमें क्लच प्लेट डालेंगे, तो उसके बाद प्रेशर प्लेट, तो पहले क्लच प्लेट फिर प्रेशर प्लेट ऐसे डाल लेंगे, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट। तो इसमें जो प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट है जो लिखा रहेगा, वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ रहेगा, तो जो क्लच प्लेट है लिखा रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, और प्रेशर प्लेट में जो धारीदार रहेगा वो ऊपर की तरफ, जो प्लेन रहेगा नीचे की तरफ, इसका ध्यान देंगे। उसके बाद क्लच सेंटर को बैठा कर उसके बाद बैठा लेंगे इसमें हाउसिंग में, नचा नचा कर पूरे प्रॉपर तरीके से बैठाने। अगर बैठे ना तो जो क्रेंसा वो जो क्लच जिसमें बैठा है उसमें मोबिल लगा देंगे, सरक कर आराम से बैठ जाएगा। और नचा कर फ्री देख लेंगे, फ्री नाचना चाहिए। इसमें 4 क्लच प्लेट है, 3 प्रेशर प्लेट है, तो पूरा फ्री नाचना चाहिए। उसके बाद ये वाशर लगा लेंगे ऊपर, तो ये वाशर है और ये 18 नंबर का नट है, इसको लगा लेंगे, क्लच होल्डर लगा कर इसको टाइट कर लेंगे और 18 नंबर से टाइट कर लेंगे, 18 नंबर का गोटी है, क्लच होल्डर लगा कर टाइट कर लेंगे, पूरा फुल टाइट कर लेंगे। चलिए पूरा फुल टाइट हो गया, फुल टाइट जितना होना चाहिए। तो स्प्रिंग को लगा लेंगे, 4 स्प्रिंग है इसमें, स्प्रिंग को लगा के ऊपरी प्लेट को लगा लेंगे। ये ऊपर का जो प्लेट है इसे लगा लेंगे, 10 नंबर का 4 वोल्ट है, इसे लगा कर टाइट कर लेंगे, टाइट करके आपको दिखा रहे हैं। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को बराबर से बैठा लेंगे, थोड़ा इधर उधर ना हो, बराबर से बैठा लेंगे। उसके बाद टाइट कर लेंगे, ये 10 नंबर का बोल्ट है, 4 है, चारों को टाइट कर लेंगे बराबर बराबर से।
ये मोबिल नट को टाइट कर लेंगे। ये मोबिल जाली है और मोबिल नट है, 17 नंबर जाली के ऊपर रखेंगे, जो मुंह दिया रहता है ऊपर फंस जाता है, ऊपर ऐसे लगाएंगे। और मोबिल नट है 17 नंबर है, 17 नंबर से टाइट कर लेंगे। चलिए टाइट करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये टाइट कर लेंगे 17 नंबर से पूरा बढ़िया से, तो टाइट हो चुका है। हो सके तो आप सबसे पहले कर दें, क्योंकि कभी कभी भूल जाने पर दिक्कत हो सकती है। तो हो सके तो आप सबसे पहले मोबिल नट को टाइट कर दें। तो ये पूरा टाइट हो गया 10 नंबर, और बैरिंग को लगा लेंगे। और ये 10 नंबर का पूरा फुल टाइट हो गया। अभी रोटर को लगा लेंगे, लॉक में अच्छे से बैठा देंगे रोटर को। इसका रोटर नाम है। उसके बाद ये वाशर लगा लेंगे। उसके बाद 18 नंबर का ये नट है, उल्टा छुड़ी है, उल्टा छुड़ी है, ध्यान देंगे। वो प्राइमरी गियर है, वहाँ पे लगाकर टाइट कर लेंगे ताकि नाचेगा नहीं। प्राइमरी गियर को काट कर और इंच बनाया गया है। ये टाइट फुल टाइट हो गया। उसके कैप को लगा लेंगे, और ये पैकिंग है, उसमें पैकिंग को भी ध्यान देंगे। ये 10 नंबर का 3 वोल्ट है, टाइट कर लेंगे। ये 10 नंबर का है, टाइट कर लेंगे पूरा। ये टाइट हो गया, देखिए इसमें छर्रा लगा लेंगे। क्लस्टर एसी है, इसमें छोटा सा छर्रा लगता है। छर्रा लगा कर इसमें छर्रा लगा लेंगे, छोटा वाला छर्रा लगा कर उसके बाद बैठा लेंगे वहाँ पे। इसमें छोटा सा छर्रा लगता है। अरे चैम्बर है, छर्रा नहीं रहेगा तो क्लच काम नहीं करेगा। तो पैकिंग है, क्लच पैकिंग, पैकिंग को लगा लेंगे। और चैम्बर में भी एक क्लच ठेसी लगा लेंगे, ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर लगाएंगे ताकि गिरेगा नहीं। इसके बाद चैम्बर को बैठा देंगे। चैम्बर को बैठा कर और क्लच को आगे पुश करके देख लेंगे। ये आगे की तरफ पुश करके देख लेंगे क्लच काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद एक कैप को लगा लेंगे ताकि इसमें गर्दा उर्दा ना गिरे। 8 नंबर का 10 वोल्ट है, उसे टाइट कर लेंगे। तो पूरे टाइट कर लेंगे। चलिए टाइट करके आपको दिखा रहे हैं। ये मोबिल है, 8 नंबर का बोल्ट है, पूरे बराबर बराबर से टाइट करेंगे। पूरा प्रॉपर तरीके से बराबर बराबर से टाइट करेंगे। दोस्तों वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ मन में सवाल है तो कमेंट कर लीजिएगा। ये क्लच है, क्लच को लगा लेंगे टाइट करके बोल्टों को। इसके बाद लगाने के बाद ये मोबिल डाल लेंगे। इसमें 1 लीटर का मोबिल पड़ता है, 1000 ml, 1 लीटर का मोबिल पड़ता है इसमें। ये मोबिल पूरा डाल लिए। अब कैप को बंद कर लेंगे। कैप को बंद कर लेंगे और किक को लगा लेंगे। 12 नंबर का बोल्ट रहेगा इसमें, और साइलेंसर को भी बांध देंगे जो 5 नंबर के लिए इनके लग। चले ये सब फाइनल हो गया, मेरा सर्विस समझिए हो गया। वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। फ़ोन भी चार्ज नहीं है। बाय टीवीएस रेडियो, टीवीएस रेडियो बाय।